तो हेलो गाइस, तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर और अभी पहुंच के बस रेस्ट करेंगे और अगली सुबह आपसे मिलेंगे। जी, हो चुकी है सुबह और हम आ चुके हैं ग्वालियर के बाज़ार में। तो यहाँ पे हम घूम रहे हैं और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। तो आज की जो मेरी ये स्पेशल वीडियो है वो सिर्फ राजस्थानी जो थाली होती है, रजवाड़ा थाली, उसके लिए है। तो मैं बताऊँगी कि बेस्ट लोकेशन कहाँ पे है ये, अगर आपको राजस्थानी थाली लेनी है तो। ये बड़ा बाजार के बाड़ा बाजार जो भी इसे कहते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ फूड पॉइंट्स मिल जाए। चलिए चलते हैं रेस्टोरेंट पंचवटी गौरव पधारो मारे देश। यहाँ पे आपको राजस्थानी थाली और गुजराती थाली दोनों ही मिल जाएंगी और आप यहाँ का डेकोर देख ही सकते हैं। तो ये है जो हमारी थाली जो लगने वाली है और यहाँ पे हाइजीन का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। तो पहले हमारे हैंड वॉश करवाए गए थे, फिर ये है जी लस्सी, ये है सैलेड, ग्रीन चटनी, और ये रेड चटनी है, शायद इमली की चटनी है, और इसी के साथ दिया जाता है लहसुन की चटनी जो कि राजस्थान की बहुत फेमस होती है। तो ये तो आपने सुना ही होगा, ये है बाटी, दाल बाटी चूरमा जो कि राजस्थान का सबसे फेमस है। तो ये आ चुकी है बाटी। तो ये डाल दीजिए दाल, अब इसी के ऊपर जो है वो देसी घी डाला जाता है इसमें। वाह वाह, ये है जी चूरमा जो कि आप स्वीट की तरह खा सकते हैं, मीठा होता है। बारी आती है जी, ये है जी हमारी चाट पापड़, इसे कुछ तो कहते हैं। ये है जी सब्जी, ये पनीर, ये आलू की सब्जी, ये भी कोई सब्जी है मैं भूल गई। ये है जी नॉर्मल चपाती जो हम गेहूँ की खाते हैं, और साथ में है ये बाजरे की रोटी और इसके ऊपर डाला जाता है घी। ये है जी मालपुआ जिसके ऊपर डाली गई है बहुत सारी मलाई, बहुत टेस्टी टेस्टी। ये है जी आपकी मीठी कड़ी, ये है दाल, सिंपल दाल, पूरी भी दी जाती है, ये
है जी कस्टर्ड। तो ये हो चुकी है मेरी तैयार थाली रे, पूरी तरह से कलरफुल बिल्कुल रेडी है और अब इसे खाया जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है वो विज़िट कर सकते हैं जब भी ग्वालियर में आए, तो काफ़ी अच्छा जो इनका जो भी मैनेजमेंट है, सर्विस है, बहुत अच्छा है। लास्ट में पान दिया जाता है, आप पान अच्छा लगे तो ले सकते हैं। अबाउट आपको 300 to 350 राजस्थानी थाली पड़ जाती है। तो इसकी लोकेशन ये है यहाँ पे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।